नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसके बेसिक लेक्चर हो चुके हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ पैराबोलिक होगा, इसको हमने आपको डिफाइन कर दिया, रिलेशन डेवलप करके आपको क्लियरली समझा दिया। प्रोजेक्टाइल मोशन दो तरीके के मोशन का एक तरीके से क्या है, रिजल्टेंट है। दो तरीके मोशन का एक रिजल्टेंट है, जिसमें एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन है, और वाई डायरेक्शन में आपका डाउनवर्टिकली डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जो हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, हम सब लोग इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे। जब अलग अलग करके पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो लेक्चर्स बहुत अच्छे होंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा, उससे रिलेटेड हम ढेर सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। आज के लेक्चर में हम सब लोग टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट, और उसके साथ साथ रेंज क्या होगा, उसके साथ साथ आपका मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम अटेनेबल हाइट क्या होगी, इन सब चीज़ों पर हम सब लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपको फार्मूले रटे होते हैं, फार्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से सीखें और फिर और लोगों तक आप इसको फैलाएं, और भी लोग इसको डिटेल में सीखें समझें। सारे जो स्टूडेंट्स हर जगह कोचिंग नहीं कर सकते, आप कहीं जा नहीं सकते, या उनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वो अपने घर पर ही अगर ऑनलाइन किसी मीडिया से इसको सीखना चाहते, तो आप उन तक पहुंचाएं, वो भी पढ़ें, सब कोई पढ़े। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो आप सब लोग अच्छे से मेहनत करें, चीज़ों को रिवाइज करें, और फिर अच्छे से एग्जाम फेस करें और क्लियर करें। तो सभी लोगों तक इसको पहुंचाइए, सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, जिनको ज़रूरत है उनको पहुंचाइए, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको भी पहुंचाइए, जिससे वो अपने पढ़ाई को और भी मजबूत कर सकें। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करेंगे, अगर वीडियो नहीं, मतलब अगर इसमें कुछ कमेंट या कोई प्रॉब्लम या कोई अच्छा लगा तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे। वीडियो से रिलेटेड सारी चीज़ें जो भी आपको लगे, फीडबैक, कमेंट एक तरीके से आपका फीडबैक होता है, तो आप फीडबैक भी देंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर। चलिए भाई, तो ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने क्या देखा कि किसी एक पार्टिकल को किसी इनिशियल वेलोसिटी यू से ढके फेंक दिया गया, थ्रो कर दिया गया, प्रोजेक्ट कर दिया गया, किसी इनिशियल वेलोसिटी यू से प्रोजेक्ट कर दिया, जिसका एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट यू कॉस थीटा होगा, जब थीटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से लिया गया हो, और वाई डायरेक्शन में आपका होगा यू साइन थीटा। अब इसी को आपने कहा कि एक्स डायरेक्शन मोशन जो है, एक्स डायरेक्शन मोशन, अब एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या थी, यू कॉस थीटा, और यही कांस्टेंट है क्योंकि कोई एक्सिलरेशन एक्स डायरेक्शन में नहीं है। जब एक्सिलरेशन नहीं है तो हमेशा एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा। तो अब हमेशा जैसे आपसे पूछे कहीं भी, यहां पर बताइए एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट कितना होगा, तो यू कॉस थीटा ही होगा। वाई डायरेक्शन में चेंज होगा, पर एक्स डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होगा, यू कॉस थीटा, हमेशा क्या होगा, यू कॉस थीटा। बात समझ में आ रही? तो अगर आपसे हम किसी भी क्षण एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पूछें तो आप कह देंगे यू कॉस थीटा। अगर हम आपसे पूछें कि किसी समय चली गई एक्स दूरी बताइए, एक्स दूरी, तो आप एक्स इक्वल टू चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय, कब, जब आपकी स्पीड कॉन्स्टेंट हो। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, यू कॉस थीटा इंटू टी। कोई एक जनरल टाइम टी पर, किसी एक जनरल टाइम टी पर कहाँ पर एक्स कंपोनेंट होगा वो आप बता दी, यू कॉस थीटा इंटू टी। ऐसे अगर वाई डायरेक्शन मोशन देखा जाए तो वाई डायरेक्शन मोशन में अपवर्ड पॉजिटिव लेंगे, ध्यान रखिए अपवर्ड क्या मानेंगे, पॉजिटिव। तो वाई डायरेक्शन मोशन में ए वाई जो है वो माइनस जी के बराबर है, ए वाई जो है वो माइनस जी के
बराबर है, मतलब क्या है, और जी कांस्टेंट है, मतलब क्या है कि एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, एक्सीलरेशन आपका क्या है कांस्टेंट है, वर्टिकली डाउन, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो यू वाई इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल जीरो टाइम पर, तो यू साइन थीटा था, हाँ बिल्कुल, क्या ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, नहीं सर एक्सीलरेशन है, ये कभी सपोर्ट करेगा कभी अपोज करेगा वो अलग बात है, पर हमेशा नीचे की तरफ आपका, अब देखिए यहाँ यू साइन थीटा पॉजिटिव लिखने का सेंस क्या है, पॉजिटिव लिखने का सेंस ये ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव है, अगर इसी बॉल को हम ऐसे प्रोजेक्ट किए होते छत से अपने, तो इसका क्या होता है एक्स कंपोनेंट तो इधर होता, U वेलोसिटी से हम हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर इसको प्रोजेक्ट करते तो उस सिचुएशन में ऐसे कुछ जाता, तब आपका U cos थीटा तो आपका ये है, लेकिन यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी U sin थीटा जो होता वो नीचे की तरफ होता तब माइनस लिया जाता, मतलब हमें ये ध्यान रखना है जो चीज़ें अपवर्ड होंगी वो पॉजिटिव होंगी, जो डाउनवर्ड होंगी वो निगेटिव होंगी, ये ध्यान रख के चलना है, कब क्या होंगी वो कंडीशंस पर चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो कंडीशंस को हम लोग ध्यान में रखते हुए आंसर करते रहेंगे। खैर चलिए अगला कॉन्सेप्ट ये है, अब कोई आपसे पूछे किसी टाइम टी पर वाई बताइए, किसी एक टाइम टी पर वाई का मान बताइए, तो आप वाई का मान वाई बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया जा सकता है, तब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, जी का मान कांस्टेंट है 9.81 मीटर पर सेकंड, तो यू टी, अब बताइए वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू साइन थीटा, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू साइन थीटा, और टी कोई एक टाइम है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू यू साइन थीटा टी इंटू हाफ जी टी स्क्वायर, अब u sin थीटा क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन का मोशन हम अलग पढ़ रहे और x डायरेक्शन का मोशन हम अलग पढ़ रहे, ये बातें आपको सबको समझ में आई होंगी पिछले लेक्चर में भी और अभी भी नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन ये है कि आप बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, अच्छा ये ऐसे बॉल गया और उसी प्लेन में वापस यहां पर आ गया, उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में वापस आ गया, मतलब आपने यहाँ से फुटबॉल को किक किया या क्रिकेट बॉल को आपने मारा, आपने बैट से मारा, अरे भाई बैट जैसे भी आपका हो, ठीक है, जब आपने बॉल को किक किया तो उसी लेवल में वो वापस आ गया, इस दौरान कितना समय लगा, क्वेश्चन यही सिंपल है कि यहां से गया उड़ते उड़ते आया ऐसे नीचे उसी लेवल में वापस आ गया तो कितना समय लगे, अच्छा बताइए उसी लेवल में अगर वापस आ गया तो नेट वाई, वाई में चेंज, वाई डिस्प्लेसमेंट, यहां भी वाई जीरो है और यहां भी वाई जीरो है उसी लेवल पर है, तो नेट वाई क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इक्वल, एक्स डायरेक्शन नहीं, नेट डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू जीरो। तो अब आप अगर टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, अगर आपको क्या चाहिए इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए, ठीक है, तो फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट का टाइम जो भी हुआ उड़ने का, उड़ते समय उसी लेवल पे आने में, मतलब ग्राउंड से किक के ग्राउंड पे वापस आने में, तो उस समय नेट वाई जो होगा वो क्या होगा, जीरो, मतलब हमें ये चीज ना कि कुछ दिया है तो कुछ निकालना है, अब क्या होगा, नेट वाई जीरो होगा, जब नेट वाई जीरो कर देंगे तो आएगा यू साइन थीटा, और ये टी नहीं होगा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट एक स्पेसिफिक टाइम होगा, या क्या होगा, एक स्पेसिफिक टाइम होगा, और माइनस हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर। अब यहां से अगर आप देखें, इसको हम मिटा दे रहे हैं थोड़ी से, यहां से अगर आप इसको और आसानी से सॉल्व करें तो आपको कुछ मिलेगा, फाइनल कुछ रिजल्ट मिलेगा, क्या, जीरो इक्वल टू यू साइन थीटा, ये ऊपर अलग रखिएगा,
साइन थीटा माइनस हाफ जी टी और ब्रैकेट में फिर कॉमन ले सकते हैं टी। हमने टी कॉमन ले लिया, टी कॉमन लिया तो यू साइन थीटा यहां पर और माइनस हाफ जी टी, तो या तो आपका टी ये जीरो हो तो हमें पता है कि वाई इक्वल टू जीरो टी इक्वल टू जीरो पर है। वाई इक्वल टू जीरो, वाई देखिए वाई इक्वल टू जीरो ही तो किया गया, तो टाइम इक्वल टू जीरो पर भी वाई जीरो है या फिर ये जीरो हो, और जब ये जीरो होगा तब टी का मान क्या आएगा, टू यू साइन थीटा बाई जी। तो आपका यही क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, यही आपका पूछा जाता है उड्डयन काल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के केस में जहां गए वहीं आगे, तो वाई लेवल जीरो हो गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू होगा टू यू साइन थीटा बाई जी, बसरते थीटा किससे लिया गया है, हॉरिजॉन्टल से। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसको आप बहुत बार रटेंगे, कुछ नहीं करना है, वाई इक्वल टू जीरो कर दिए, टू यू साइन थीटा बाई जी। बात समझ में आ रही, क्लियर हो गया ना। अब बताइए यहां से वहां जाने में समय आपने निकाला कैसे, क्योंकि y में नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो था, टाइम आपने बताया टू यू साइन थीटा बाई जी, क्या उतने समय में ही वो r दूरी x डायरेक्शन में भी तो चला है, यहां से यहां तक क्या कुछ x डायरेक्शन में चला गया, हाँ बिल्कुल x डायरेक्शन में, जो ये देखिए उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पर आने में x डायरेक्शन में चली गई दूरी, x डायरेक्शन में चली गई दूरी रेंज कहलाती, x डायरेक्शन में वही उसी समय चली गई दूरी। तो अब देखिए किसी जनरल टाइम t पर हम x बराबर जानते थे, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय यहां लगाया जा सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है तो लगा सकते, तो x किसी टाइम पर अगर टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाए, भाई यहां से वहां गया तो जो समय लगा वो हमें पता है, उसी दौरान वो कुछ एक्स भी गया और जो एक्स गया वही रेंज ऑफ फ्लाइट कहलाता, वही क्या कहलाता है, रेंज ऑफ फ्लाइट। तो जनरल किसी टाइम पर हमें क्वेश्चन का आंसर पता है, पर अगर हम आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पर पूछें तो उस समय एक्स जो होगा वो स्पेसिफिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ फ्लाइट, वो क्या हो जाएगा आपका, रेंज ऑफ फ्लाइट। बात समझ में आ रही है, तो अधिक सोचना बस है कि रेंज ऑफ फ्लाइट क्या है, एक एक्स की स्पेशल वैल्यू है जब टाइम टी इतना हो, तो क्या होगा, यू कॉस थीटा इंटू टी, लेकिन यहां पे टी क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टू यू साइन थीटा बाई जी। तो यहां से आप देखेंगे ये यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी आएगा, तो रेंज आपका जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन टू थीटा होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन टू थीटा, यू यू का गुणनफल यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। क्लियर हो गया, रेंज भी आपको मिल गया, रेंज आपको मिल गया, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। आप सोचिए कि जितने समय में ये यहां पहुंचा है उतने समय में ही तो x डायरेक्शन में r चल गया है, और x डायरेक्शन में जो मोशन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है, तो ये हो गया u sin थीटा इंटू टी, टी का मान 2u sin थीटा अपान जी। तो पूरी बात अब आपको शायद क्लियर हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला कुछ और करते हैं। एक आता है मैक्सिमम हाइट, ये आप समझ गए होंगे, इसमें फिर हम आपको मैक्सिमम हाइट, द मैक्सिमम हाइट ऑफ फ्लाइट, क्या फ्लाइट आपकी ऊपर भी जा रही है, पहला ही क्वेश्चन। तो सर जब हमने इसको लॉन्च किया था तो ये पहले ऊपर ही जा रहा था, पर हाँ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट कांस्टेंट था, और ऊपर जाते 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 ऊपर की वेलोसिटी घटती जा रही है, तो मैक्सिमम हाइट कहां होगा, सर मैक्सिमम हाइट वहां होगा जहां पर अपवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो हो जाए, ये मान लीजिए एच मैक्स है, तो इस समय आप ये गारंटी कह सकते हैं कि सर वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है, जीरो।
अगर वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो नहीं हुआ, वर्टिकल ऊपर की तरफ अगर वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो नहीं हुआ तो वो और ऊपर जाएगा, ये यही यहां से और ऊपर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इस समय वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है? जीरो। तो अब वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई आपको पता है क्या है? यू साइन थीटा। और फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा कब? फॉर एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो होगा, तो फाइनल वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो होगा। अब एक और बात, क्या इसमें वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है? माइनस जी है। तो अब आप सोचिए, आपको इनिशियल वाई डायरेक्शन में, मतलब वाई डायरेक्शन हम अलग ट्रीट कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन अलग, तो आपको बताइए फाइनल वेलोसिटी मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, चली गई दूरी निकालनी है, और आपको एक्सीलरेशन कांस्टेंट मालूम है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप न्यूटन का थर्ड लॉ लगा सकते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही तो आपका फॉर्मूला होता है। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन के केस में, वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन के केस में। तो y डायरेक्शन में क्या? कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन के केस में, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के मोशन के केस में ये फार्मूला होता है, डेरिवेशन नहीं कराए थे पर हमको समझदारी है। तो देखिए, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, रिटा एक्सीलरेशन पता है, एच मैक्स पूछना है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या हो गई? जीरो स्क्वायर इक्वल टू वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या था? यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2a, a का मान क्या है? g, और इस समय जो s है वही h मैक्स है, क्योंकि y डायरेक्शन में y डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ भाई? यहां अगर पार्टिकल है तो कुछ x चला है, ठीक है, कुछ x चला है उसमें, पर x अलग है और y अलग है, दोनों अलग अलग मोशन है, तो y डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट है h मैक्स, एच मैक्स, और ये क्या हो गया? जीरो था पहले, तो डिस्प्लेसमेंट, अब आप समझ गए ना, तो एच मैक्स क्या होगा? दोनों को अलग अलग एनालिसिस ही करिए, एच मैक्स क्या होगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, मैक्सिमम हाइट ऑफ द फ्लाइट इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। बात समझ में आ गया? तो इन सब को आप ध्यान से, अच्छा बताइए मैक्सिमम हाइट पहुंचने में लगा समय, अगर पूछिए यहां तक, यहां से यहां पहुंचने में लगा समय, तो एक तो आप इस जुगाड़ से बता सकते हैं सर इसका आधा होगा, पूरा जो समय लगेगा उसका आधे आध पर बीचों बीच में है तो उसका आधा होगा, वो क्या होगा? यू साइन थीटा बाई जी। एच मैक्स चलने में लगा समय आपका यू साइन थीटा बाई जी, लेकिन नहीं हमें नहीं मालूम, हमें वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, तो उस एच मैक्स तक पहुंचने में लगा समय, तो पहला इक्वेशन लगा दे, न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन लगा दे, इरेज कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। तो न्यूटन का अगर हम फर्स्ट इक्वेशन लगाए, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ये सब मालूम है, टाइम निकालना है, हमें क्या निकालना है? टाइम। तो जब टाइम निकालना होगा तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा इन वाई डायरेक्शन की बात है, और माइनस जी टी, टी इक्वल टू क्या आएगा? यू साइन थीटा बाई जी। ये कौन सा टाइम है? ये कौन सा टाइम है? ये कंडीशन होने का टाइम, और ये कौन सी कंडीशन है? जब आप एच मैक्स पर हो, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा समय यू साइन, टू यू नहीं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन थीटा बाई जी होता है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा समय यू साइन थीटा बाई जी होगा, यू साइन थीटा बाई जी होगा, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी एक्स और वाई पोजीशन पर पहुंचने में लगा समय पूछा जा सकता है, तो एक्स के लिए एक्स में आपका क्या होगा? एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। तो अगर x कोऑर्डिनेट पता हो
और यू और थीटा पता हो तो आप टाइम बता सकते हैं कि इस एक्स पर पहुंचने में कितना समय लगा होगा। समझ में आ रही ना बात? तो कोई जनरल भी पूछा जा सकता है। खैर ये आपका क्या हुआ, मैक्सिमम हाइट प्राप्त करने में लगा समय। इसको सब लोग कॉपी कर लें, फिर आगे चलते हैं, इस पे और भी केसेस शुरू करेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू, अभी हमने प्रूफ किया, 2u sin थीटा अपान जी, y इक्वल टू जीरो कर देंगे u sin थीटा और टाइम t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी। रेंज क्या होगा, रेंज होगा u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, x डायरेक्शन में चला गया। अब क्वेश्चन ये है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो 2u, अब आप इसको नोट करके कुछ लोग रट लेंगे, रट लीजिए, सही बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थीटा ध्यान रखिए हॉरिजॉन्टल से लिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी का है और ये सारी चीजें, ठीक है। अब ये है 2u sin थीटा बाई जी। ध्यान रखिए 40 मिनिमम, अगर आप मिनिमम टाइम में जाना चाहते, आप यहां से यहां ऐसे उड़ा के गए थीटा एंगल पर, और यहां आप मिनिमम टाइम में जाना चाहते हैं, तो अगर आप मिनिमम टाइम में जाना चाहते यू और जी तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो थीटा आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो डिग्री। 40 मिनिमम थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। जब आप कम से कम वेलोसिटी में जाना चाहें तो उस समय टी मिनिमम के लिए आप थीटा इक्वल क्या रखें, जीरो। इस अगर आप जीरो डिग्री पर ऐसे फॉल करेंगे तो आप बहुत फिर ऐसे फिर आएगा, ऐसे सिचुएशन हो जाएगी, तो आप उस समय थीटा क्या रखें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही फेंकें। जब बॉल को अगर आपको उसी लेवल में कम से कम टाइम में, आर रेंज को कम से कम टाइम में जाना ले जाना चाहते हैं, तो आप हॉरिजॉन्टल फेंके, ध्यान रखिए आप क्या करें, हॉरिजॉन्टल फेंके। अगर ऊपर की तरफ बॉल को फेंकेंगे तो पहले ऊपर जाएगा फिर आएगा, तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगे, चाहे वो थीटा का मान कुछ भी क्यों ना। बस तो आइडियली अगर हम थीटा जीरो कर देते हैं तो उस समय टाइम क्या होगा, यहां से वहां जाने में टाइम क्या लगेगा, जीरो। तो ऐसा नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आप मिनिमम चाहते थीटा जीरो करें, पर हाँ जब थीटा जीरो करेंगे तो ये यहां पर पहुंचेगा ही नहीं। जब आप थीटा जीरो करेंगे तो इसके लिए देखिए टी मिनिमम के लिए आप थीटा जीरो इसलिए किए कि आपने टारगेट सेट किया कि हमें वहां पहुंचाना है, लेकिन जब आप थीटा जीरो करेंगे तो ये आगे जाकर कहीं आगे बढ़ जाएगा, नीचे की तरफ, उस लेवल में आएगा ही नहीं। आपको उसी लेवल में दोबारा लाना है तो किसी ना किसी और थीटा पर प्रोजेक्ट करना ही करना है। तो कभी ये मत सोचिए कि अगर हम थीटा इक्वल टू जीरो पर प्रोजेक्ट कर दें तो टाइम ऑफ फ्लाइट जीरो हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, तब उस लेवल पे वो आएगा ही नहीं, ये ध्यान रखिए। तब आपका, क्योंकि उसी लेवल पर आने के लिए पहले ऊपर जाके तभी नीचे आएगा, जब आप जीरो डिग्री पर, जीरो डिग्री समझ पा रहे हैं ना कि हम इसी डायरेक्शन में ही प्रोजेक्ट कर दें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही बॉल को प्रोजेक्ट कर दें, तो ऐसे ही आएगा। तो टी मिनिमम का कोई कॉन्सेप्ट या मैक्सिमम का कोई कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं, क्योंकि आप किसी एक स्पेसिफिक पोजिशन पर पहुंचने के लिए आपको किसी एक एंगल पर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, तो टी मिनिमम टी मैक्सिमम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। अब आइए रेंज पर, सबके बारे में पढ़ते हैं ना, रेंज है u स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, u स्क्वायर साइन टू 90 माइनस थीटा, नहीं समझ में आया, अपान जी, अरे भाई यही लिख लो, u स्क्वायर साइन 290 माइनस थीटा, 290 माइनस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 2 थीटा, अरे अंदर जाके गुणा किया है यार, बाई जी। अब ध्यान दीजिएगा साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है, तो ये दोनों मान साइन 180 माइनस 2 थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है,
ये दोनों सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या हम साइन 2 थीटा की जगह 180 माइनस 2 थीटा भी लिख सकते हैं? 2 कॉमन ले लिए तो ये भी एक एंगल है। इसको मान लीजिए अल्फा, तो जब आप अल्फा इक्वल टू 90 माइनस थीटा पर प्रोजेक्ट करेंगे, अल्फा इक्वल टू 90 माइनस थीटा पर प्रोजेक्ट करेंगे तब भी रेंज वही आए। मतलब अगर आप किसी, क्यों रेंज वही आएगा? क्योंकि ये वैल्यू इसके बराबर होती है भाई, सबको पता है, इसमें कौन सी नई बात है। साइन 180 माइनस 2 थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, तो इसको पहले नोट कर लीजिए, सब लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, अब यहां से ये कंक्लूजन है, मैक्सिमम मिनिमम भी कॉन्सेप्ट हम ला रहे हैं, परेशान ना हो, एकदम सोच आप ही की। तो अब अगर आप किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आप 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट करते हैं, 30 डिग्री पर, और अगर आप 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट करते हैं, इस पर 60 डिग्री पर, दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट हैं, तो दोनों सिचुएशन में रेंज आपका क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा। अगर आप थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट करें और चाहे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट करें, दोनों सिचुएशन में रेंज आपका कॉन्स्टेंट, क्योंकि थीटा इक्वल टू अगर 30 रखे तो साइन 60 आएगा, ये क्या आएगा? साइन 60, और अगर थीटा 60 रखे तो ये क्या आएगा? साइन 120, और ये दोनों बराबर होता है, ये दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री किसी पर, ऐसे अगर 10 डिग्री और 80 डिग्री पर करें तो दोनों में रेंज बराबर आएगा। मतलब एक एंगल कोई होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स दोनों का समेशन 90 डिग्री हो। तो अगर आपको कहा जाए कि 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट करने पर जो रेंज मिलता है वो किसी और एंगल पर प्रोजेक्ट करने मिलेगा, बिल्कुल 60 डिग्री पर। अगर हमने 25 डिग्री पर किसी यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, मतलब इनिशियल कंडीशन सबके सेम होनी चाहिए, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तो अगर हमने 25 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया तो 65 डिग्री पर भी प्रोजेक्ट करने पर वही रेंज मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दोनों मान क्या होते हैं? बराबर होते, ये समझ गए। लेकिन दोनों सिचुएशन में मैक्सिमम हाइट ऑफ फ्लाइट अलग अलग होगी, ये थोड़े अलग बना दे लेकिन इसी के ऊपर ही रहे। तो दोनों सिचुएशन में मैक्सिमम हाइट ऑफ फ्लाइट क्या होगा? अलग अलग होगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट ऑफ फ्लाइट ये है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो जब थीटा 30 होगा उस समय इसका स्क्वायर कुछ अलग वैल्यू देगा, और जब थीटा 60 होगा उस समय इसका स्क्वायर कुछ अलग वैल्यू देगा। तो ये ध्यान रखिएगा, हर समय मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर प्रोजेक्ट करने पर रेंज समान होते हैं, पर मैक्सिमम हाइट जो आपका होता है वो अलग अलग होता है। जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाओगे मैक्सिमम हाइट आपकी बढ़ती जाएगी, उस पर भी हम डिटेल में एनालिसिस अभी करेंगे, ठीक है, ये समझ गए सब लोग। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया रेंज कब मैक्सिमम होगा? अगर हम देखिए, दो टारगेट होता है, एक टारगेट होता है कि खूब ऊंचाई प्राप्त करना, और एक टारगेट होता है खूब दूर तक जाना। जैसे छक्का, एक लंबा छक्का होता है, एक ऊंचा छक्का होता है, सिक्सर जो मार रहे होते हैं, तो सिक्सर क्रिकेट में लंबी सिक्स, तो लंबी सिक्स के लिए अगर फॉर आर मैक्स पूछा जाए, कोई अगर पूछे मैथमेटिक्स, कोई इसको ये नहीं पता ये क्या है, उससे पूछा है कि मैक्सिमम रेंज के लिए क्या, तो इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाओ भाई, ये जनरली कांस्टेंट आपने किया, जी का मान कांस्टेंट। तो अगर आप मैक्सिमम रेंज चाहते हैं तो ये मैक्सिमम होना चाहिए, साइन 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन का मैक्सिमम मान 1 होता है, और ये क्या होता है? साइन 90 पर। तो मैक्सिमम रेंज आपको तब मिलेगा जब आप साइन 90 पर आप उसको, मतलब ये 2 थीटा 90, तो यहाँ से थीटा क्या आएगा? 90/2, मतलब क्या आएगा? 45 डिग्री। तो अगर आप 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करते हैं, ध्यान रखिए, जब आप बॉल को, क्रिकेट बॉल को 45 या उसके आसपास, अरे 42-43 हो सकता है, मतलब आप क्योंकि एक्यूरेट नहीं हो सकते, हाँ एग्जैक्टली भाला फेंकना है,
अगर भाला आपको फेंकना है तो 45 डिग्री पर अगर फेंक पाए आप तो उस समय रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उस समय दूरी मैक्सिमम और रेंज ही नापा जाता है। ठीक है, तो आपका जो भाला फेंक का होता है कंपटीशन उसमें रेंज मेजर किया था और रेंज मैक्सिमाइज के लिए थीटा 45 डिग्री होना चाहिए। मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा क्या होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कोशिश करें जब क्रिकेट बैट बॉल खेलें तो 45 डिग्री पर ही मारें जिससे लंबाई जाए। तो आपको सिक्सर क्रॉस करने के लिए बाउंड्री क्रॉस करनी होती है, कितना ऊपर से गया उससे मायने नहीं रखता, मायने रखता है इस बाउंड्री को क्रॉस करना। तो फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा इक्वल टू 45, थीटा इक्वल टू 45, चाहे वर्टिकल से चाहे हॉरिजॉन्टल से, दोनों से 45 ही होगा। अरे भाई 45 तो आधा आधा बंटवारा हो जाता है ना, तो आप मैक्सिमम रेंज के लिए। लेकिन अगर कोई पूछे कि मैक्सिमम रेंज कितना होगा, भाई ये तो आपने कंडीशन बताया ना कि मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा 45 डिग्री रखो और आर मैक्स जो होगा वो ई स्क्वायर अपान जी होगा। ये भी पूछा जाता है कि मैक्सिमम रेंज कितना होगा, मैक्सिमम रेंज तब होगा जब थीटा 45 डिग्री हो और वो कितना होगा, ई स्क्वायर बाई जी होगा। आगे बढ़े, अगला देखते हैं। ठीक है, अब आया हाइट का कॉन्सेप्ट, एच मैक्स हाइट है। तो मैक्सिमम ये ऑलरेडी अपने आप में मैक्सिमम हाइट है, ऐसे ये जो मैक्स है, पर ये मैक्सिमम हाइट को और बढ़ाया जा सकता है। ये मैक्सिमम क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर जाके वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो हो गया। अब यहां से आपका आया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। इसको हमें देखने पर पता चलता है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, थीटा जैसे से बढ़ेगा जीरो डिग्री पर एच मैक्स जीरो होगा। ऐसे हॉरिजॉन्टल फेको ऊपर जाएगा ही नहीं, हॉरिजॉन्टल फेंकोगे ऐसे ड्रॉप करके आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू जीरो पर ये जीरो होगा, थीटा इक्वल टू 10, 20, 30 जैसे से बढ़ा रहे हो एच मैक्स वैसे वैसे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। रेंज में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि थीटा बढ़ा दो तो रेंज बढ़ेगा, नहीं, थीटा जीरो से 45 तक जैसे से बढ़ाओगे रेंज बढ़ेगा, लेकिन 45 से जैसे और आगे बढ़ोगे रेंज घटने लगेगा। रेंज का मान जो रेंज है थीटा इक्वल टू जीरो से 45 तक बढ़ाने पर, मतलब जीरो से 10, 20, 30 करने पर रेंज बढ़ता है, और अगर 45 से आगे बढ़ा दिए 90 तक तब रेंज क्या होता है, घटता है। तब रेंज आपका क्या होगा, घटेगा। अरे वहां पर 90 रख दो, ये जीरो आ जाएगा रेंज। अगर आप यहां 90 रख दो उस समय रेंज क्या होगा, जीरो। बात समझ में आ रही है ना। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ाते हैं मैक्सिमम हाइट बढ़ता जाता है और 45 डिग्री तक, थीटा इक्वल टू जीरो टू 45 डिग्री तक आपका एच मैक्स, जीरो टू 45 डिग्री तक एच मैक्स और आर मैक्स दोनों बढ़ेगा, मैक्सिमम हाइट भी बढ़ेगी और रेंज भी बढ़ेगा। लेकिन 45 से 90 डिग्री में, 45 से 90 डिग्री में ये एच मैक्स तो बढ़ेगा, एच मैक्स तो आपका क्या होगा, बढ़ेगा, पर रेंज घटेगा, पर रेंज क्या होगा, घटेगा। तो 0 से 45 डिग्री की हाइट पर, हाइट 0 से 45 डिग्री पर अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं 0 से 45 धीरे धीरे बढ़ा के तो रेंज भी बढ़ेगा हाइट भी बढ़ेगी, पर 45 से 90 के बीच में हाइट तो बढ़ेगी, मतलब मैक्सिमम हाइट ऑफ फ्लाइट तो बढ़ेगा पर रेंज घटता जाएगा। ऐसे रेंज घटता जाएगा, मैक्सिमम हाइट ऑफ फ्लाइट तो बढ़ेगा, एच मैक्स बढ़ता जाएगा, लेकिन रेंज थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। बात समझ में आ रही है, लेकिन ये कब है, जब 45 से 90 डिग्री की बात है। तो आप बताइए, इसको देखने पर हमें क्लियर हो रहा है कि साइन थीटा बढ़ा, थीटा बढ़ाने पर एच मैक्स बढ़ता है मैक्स, और अगर थीटा 90 कर दो, थीटा 90 का मतलब समझ रहे हैं ना, थीटा 90 का मतलब होता है कि एकदम वर्टिकली अपवर्ड फेंक दो। अगर वर्टिकली अपवर्ड आप फेंक देते हैं तो उस समय आपका एच मैक्स, तो आपका जैसे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसका क्या मतलब हुआ, वर्टिकली आपने फेंक दिया,
जो बॉल है वो वर्टिकल चला गया, तो ये थीटा इस समय क्या हो गया 90 डिग्री, और जब थीटा 90 डिग्री होगा तब आप मैक्सिमम हाइट अटेन करेंगे। जब किसी को हम कैचिंग की प्रैक्टिस कराते हैं, कैच लेने की प्रैक्टिस कराते हैं, तो हम वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, हम क्या करते हैं वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, तो मैक्सिमम हाइट जाता है, और उस समय मतलब मैक्सिमम हाइट भी मैक्सिमम हाइट होता है, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा यू स्क्वायर बाई जी। उस समय जो हाइट अटेंड होगी वो क्या होगी यू स्क्वायर बाई जी, क्योंकि यहाँ पे 90 रखोगे 1 हो जाएगा। तो जब आपको खूब ऊपर फेंकना हो, खूब ऊपर फेंकना हो, तो एकदम सीधा कोशिश करें फेंकना, और जब खूब लंबा फेंकना हो तो 45 डिग्री पर कोशिश करें। 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होता है, और वो क्या होता है यू स्क्वायर अपान जी के ही बराबर होता है। और 90 डिग्री अच्छा जब एकदम ऊपर एकदम सीधा फेंकोगे तो ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, ऐसे रेंज क्या होगा, क्या साइड में कुछ चला, क्या एक्स कुछ चला, नहीं। क्यों नहीं चला, क्योंकि आपने ऊपर ही फेंका था, एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी ही नहीं था। जब यहां पर ऐसे फेंकोगे तो यहां कॉस कंपोनेंट यू कॉस थीटा कॉस 90 तो क्या आ जाएगा जीरो, एक्स डायरेक्शन में उस समय वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो होगा, और कोई बढ़ाने घटाने वाला भी नहीं है, कोई एक्सीलेशन या रिटार्डेशन भी नहीं है। इसलिए ध्यान रखें जब आप खूब ऊपर फेंकना चाहते हैं उस समय आप क्या करें 90 डिग्री पर फेंकें, और जब रेंज दूर चाहते हैं तो 45 डिग्री पर फेंकें। मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर अपान जी होगा, और मैक्सिमम हाइट भी, मैक्सिमम हाइट का भी मैक्सिमम वैल्यू यू स्क्वायर अपान जी ही होगा सबसे ऊपर जाने पर। बात समझ में आ रही है, जीरो से 45 डिग्री तक जैसे जैसे कोण बढ़ाते हैं रेंज भी बढ़ता है और हाइट भी बढ़ती है, पर 45 डिग्री से 90 डिग्री में रेंज घटता है और हाइट क्या होती है बढ़ती जाती है। ये आप क्लियर हो गए तो, और टाइम पीरियड में मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कहीं से कहीं जाने में जो समय लगेगा उस पर आपका बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। हाँ जब जीरो रखेंगे उस समय जीरो आना चाहिए, लेकिन ये क्या होगा वहाँ तक जाएगा ही नहीं, ये नीचे चला जाएगा, ये क्या होगा नीचे चला जाएगा। तो आई थिंक आप सब लोगों ने कुछ बेसिक बेसिक चीज़ों को समझा। अगले लेक्चर से हम सब लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के, कुछ टफ क्वेश्चन स्टार्टिंग में करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आसान आसान क्वेश्चन हम लोग एक सीरीज लेके आएंगे, क्वेश्चन सीरीज जिसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आज के लेक्चर में आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, और फिर मिलते रहेंगे। जो भी जैसा आपको आया उस फीडबैक दें, कमेंट आप जरूर करें, कमेंट करने से हमें फीडबैक मिलेगा, हम अपने आप को इम्प्रूव करने की और कोशिश करेंगे, हम आप तक और भी अच्छा कंटेंट भेजने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर करें, शेयर हम अब नहीं कर सकते, और भी चीज़ों में हम इन्वॉल्व हो गए हैं, तो आप शेयर करें, सब तक पहुंचाएं, हर कोई समझे हर कोई सीखे। फिर नए जोश के साथ नए लेक्चर में मिलते हैं क्वेश्चन सीरीज के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।